हाय दोस्तों भाई, कैसे आ रही हो? नए वीडियो में स्वागत। तो भाई आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा धमाकेदार एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। भाई आप सब लोग व्हाट्सएप का तो यूज करते होंगे दोस्तों। आजकल तो भाई इंडिया में 95 लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल का यूज करते हैं, वो भी एंड्रॉयड। तो भाई उसमें से आप भी होगी भाई, यानी कि जो भी एंड्रॉयड मोबाइल का यूज करता है, साथ में दोस्तों व्हाट्सएप तो यूज करता होगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुना दोस्तों, व्हाट्सएप का यूज तो हर कोई बंदा करता है। लेकिन बाद के दोस्तों उसमें आपको दो ऑप्शन मिलता है, यानी कि जब भी आपको कोई परेशान करता है तो वहाँ पर दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख रहे हो एक ब्लॉक का ऑप्शन मिलता है, एंड जस्ट आपको दूसरा दोनों ऑप्शन मिलता है भाई। दूसरा ऑप्शन है रिपोर्ट का। दोस्तों हम लोग तो यार ब्लॉक को समझते हैं कि हाँ इसका इस्तेमाल कब करते हैं, इसका यूज कब करते हैं, यानी कि इसका यूज करने से होता क्या है। तो भाई आजकल सब लोग जानते हैं ब्लॉक करने से क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों लेकिन बात करें भाई कि जो दूसरा ऑप्शन है रिपोर्ट करने का, दोस्तों उसका यूज हम लोग किस प्रकार करें एंड कब किया जाता है, किस लिए किया जाता है मेरे भाई, तो वीडियो पे बने रहना। आप लोग ने आज तक उसका यूज तो किया नहीं होगा। हाँ मानता हूँ भाई आप लोग ने जो ब्लॉक वाला ऑप्शन है वहाँ पे, यानी कि ब्लॉक करने का, तो वहाँ पे आप लोग कई बार उसका यूज किए होंगे, किसी को ब्लॉक किए होंगे, किसी को अनब्लॉक किए होंगे। लेकिन बात करें मेरे भाई जो दूसरा ऑप्शन मिलता है आपको रिपोर्ट करने का भाई, वहाँ पर आप लोग उसके बारे में आज तक सोचे नहीं होंगे, बस आपने देख लिया होगा कि हाँ वहाँ पे रिपोर्ट्स का ऑप्शन दिया गया। लेकिन दोस्तों उसका यूज आप लोग करना नहीं जानते। दोस्तों अगर आप उसका यूज करना समझ गए तो आपको कोई भी बंदा परेशान नहीं करेगा, बंदा हो या बंदी, बाकी आप लोग समझदार हो कोई भी दोस्तों, तो आप लोग को कभी व्हाट्सएप पे परेशान नहीं करेगा मेरे भाई। तो वीडियो पे बने रहना, पसंद आए तभी दिल से लाइक करना, मन से कमेंट करना, प्यार से भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसा रोज टेक्निकल टिप्स सोशल मीडिया का नया नया अपडेट्स आपको इस चैनल पे मिलता रहता है। यहाँ दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग समझने वाले हैं मेरे भाई कि जो व्हाट्सएप पर जो आपको रिपोर्ट करने का ऑप्शन मिलता है दोस्तों, आखिर वो किस लिए दिया होता है, उसका यूज हम लोग किस प्रकार कर सकते हैं। दोस्तों वो फीचर दिया गया है, उसका यूज करने के लिए दिया गया है मेरे भाई, फिर भी हम लोग उसका यूज करते नहीं है। लेकिन दोस्तों आज वीडियो पर बने रहना, मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा आखिर उसका यूज आप लोग किस प्रकार करोगे भाई। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ भाई आपको समझाने के लिए कि व्हाट्सएप जो आपको एक ब्लॉक करने का ऑप्शन दिया था उसका आप लोग यूज करते ही होंगे, लेकिन साथ में बात करें जो आपको रिपोर्ट करने का ऑप्शन मिलता है व्हाट्सएप पर, शायद आपने उसका कभी यूज तो किया नहीं होगा। लेकिन भाई बात करें तो आज इस वीडियो को देखने के बाद उसका यूज करना सीख जाओगे मेरे भाई। तो सिंपल से कहें उसका यूज किस लिए होता है भाई, तो उसके पहले अगर आपको जानना है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, घंटी कॉल पर क्लिक कर दो, ताकि आपको ऐसा रोज टेक्निकल टिप्स एंड सोशल मीडिया का नया नया अपडेट साथ में साथ कंप्यूटर का भी टिप्स आपको मिलता रहता है आपको इस चैनल पे। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, ज़्यादा बहसबाजी नहीं करेंगे। दोस्तों मैं बात करूँ तो उसका जो ऑप्शन दिया होता है रिपोर्ट करने का ऑप्शन मेरे भाई, तो रिपोर्ट करने का ऑप्शन इसलिए दिया होता है जैसे कोई अनजान व्यक्ति कोई अनजान नंबर से आपको कोई परेशान कर रहा है। कोई नंबर हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा नंबर है, मैं बार बार आपके पास कॉल कर रहा हूँ भाई, तो कॉल कर रहा हूँ मैं पर, वहाँ पर जो आपको रिपोर्ट करने का ऑप्शन मिलता है तो वहाँ पर आप रिपोर्ट करेंगे, तो रिपोर्ट वहाँ पर कुछ करना नहीं होता, वहाँ पर आपको क्लिक करते हुए जाना है, बस आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद वो सीधा मैसेज कहाँ पर जाएगा, वो सीधा मैसेज व्हाट्सएप टीम के पास जाएगा। ऐसे उसी नंबर को आप उठा के अपने दोस्त के पास शेयर कर दोगे, अपने भाई के पास शेयर कर दोगे, यानी कि अपने मेंबर यानी कि फैमिली मेंबर या हो गया आपका फ्रेंड मेंबर हो गया, कहीं पर आप उठा के शेयर करेंगे, और जहां पर 50 60 या 200 के आस 100 के आसपास पहुंचेंगे, यानी कि वही जो मेरा नंबर है वही नंबर को बार बार दोस्तों के पास गांव वालों के पास कुलिन सेंड करके उसको रिपोर्ट कर देंगे भाई। व्हाट्सएप पर जाएंगे, आपके कॉन्टैक्ट को सेव करेंगे, यानी कि मेरे कॉन्टैक्ट को सेव करेंगे, एंड करने के बाद वहाँ पर जाके सबसे मेरे नंबर पर रिपोर्ट कराएंगे। तो मेरे नंबर पर जब आप 100 200 यानी कि रिपोर्ट करा देंगे तो भाई जो व्हाट्सएप टीम है, तो जो व्हाट्सएप टीम होती है तो क्या वो कमियाँ ढूंढती है, हाँ किस बंदे के अंदर कमी है, किस नंबर के अंदर कमी है, ये दूसरों के साथ फ्रॉड कर रहा है। तो भाई रिपोर्ट करने से ये होता है, जिस तरीके से आप पुलिस स्टेशन में जाते हो वहाँ पर रिपोर्ट करते हो तो आपको जब्त कर लेता है, यानी कि बंद कर लेता है, एंड वहाँ पे आपको मार पड़ती है। उसी प्रकार में दोस्तों एक रिपोर्ट करने का ऑप्शन आपको व्हाट्सएप पे मिलता है। इसे फॉर एग्जांपल आपने समझ लिया कि जब 4 5 लोगों हो गए या 15 20, फॉर एग्जांपल ये आपको बता रहा हूँ मैक्सिमम तो 200 होना चाहिए, 200 आदमी से आपका नंबर यानी कि मेरा नंबर शेयर करके वहाँ पर रिपोर्ट करा जाएगा। तो 200 आदमी से रिपोर्ट कराकर तो भाई क्या होगा, जो मेरा व्हाट्सएप है भाई वो हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। तो भाई मैं उस जिस नंबर से मैं लोगों को परेशान कर रहा था वो नंबर से क्या होगा, कभी हमारे व्हाट्सएप नहीं बने। जिस तरह के आप अपने नंबर पर व्हाट्सएप बना लेते हो, डाउनलोड करते हो, वेरिफिकेशन करते हो, तो आपका व्हाट्सएप बन जाता है आपके नंबर से। लेकिन दोस्तों अगर आप
असल में दूसरे को बार बार परेशान कर रहा हूँ, तो व्हाट्सअप यानी कि जो बंदे लोग हैं वो रिपोर्ट कर देंगे। रिपोर्ट करने के बाद दोस्तों जो क्या होगा, जिससे 100-200 के आसपास रिपोर्ट पहुँचेगा व्हाट्सएप पास इसी नंबर से, इस नंबर से बंदे लोग यानी कि जिस नंबर से परेशान कर रहे हैं। उसके बाद व्हाट्सअप क्या करेगा, उसको बैन कर देगा। बैन के बाद दोस्तों क्या होगा, अभी आप उस नंबर से व्हाट्सअप नहीं यूज कर सकते भाई। तो भाई रियल केस में होता है यानी कि जब भी आप कोई बहुत ज़्यादा परेशान करता है तो आप लोग कीजिए इसी वीडियोज में, तो मैं इसका भी सोल्यूशन को अच्छे से बताऊंगा। और अगर आपको किसी को भी रिपोर्ट करना है तो उसके लिए भी कमेंट्स कीजिए, मेरे पास मेंबरशिप है रिपोर्ट करने की, मैं बिल्कुल आपको रिपोर्ट्स दिलाऊंगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, आई होप वीडियो पसंद आ ही गया होगा मेरे भाई, शेयर कर देना ताकि आपको ऐसा रोज टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया का नया नया अपडेट्स मिलता है। तो मिलते भी जो नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो जय हिंद, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।